स्कॉलरशिप फॉर्म में अगर आपका NPCI सत्यापन नहीं हो रहा है तो सही जगह पे है, वीडियो को पूरा देखिएगा और अपना आप आधार सत्यापन NPCI से जो सत्यापन का है वो कर पाएंगे। तो एक प्री मैट्रिक फॉर्म यानी पूर्व दशम फॉर्म हमने लॉगिन किया है, इसमें लॉगिन करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन किया था वो रजिस्ट्रेशन, उसके बाद जैसा कि मोबाइल नंबर, उसके बाद पासवर्ड जैसा कि ऑप्शन में दिख रहा है, पासवर्ड भरने के बाद कैप्चा भरेंगे, उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे उस पर। इसमें देखिए फॉर्म पूरा खुल के आ गया, सारे स्टेप्स हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी आधार वाला स्टेप्स आपको करके दिखाएंगे, आधार का जो डेमोग्राफिक डिटेल है वो यहाँ पे आपको करना होगा। यहाँ पे दो बार आधार नंबर भरिएगा इन दोनों ऑप्शन पे, उसके बाद यहाँ पे टिक करके आपको कैप्चा फिल के वेरीफाई वाले आधार वाले ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद इस प्रकार से हमारा आधार वेरीफाई होम पे क्लिक करिएगा, आधार वेरीफाई हो गया है। अब यहाँ पे NPCI सत्यापन हेतु पर क्लिक करते हैं जो आपका टॉपिक है। उसके बाद यहाँ पे हम करते हैं चेक NPCI स्टेटस। अभी दिखा रहा हमारा स्टेटस नॉट रिसीव्ड फ्रॉम NPCI सर्वर, और जो टाइम दिखा रहा अभी का टाइम है जिस टाइम हम इस फॉर्म को ओपन किए थे, थोड़ा सा समय लेता है ये आधार वाले सर्वर पे जाके स्टेटस जो है कि वो रिसीव कर रहा है। उसके बाद फिर ये बता रहा है कि अभी भी हमारा जो API रिस्पॉन्स है, स्टेटस फ्रॉम NPCI API रिस्पॉन्स ये नहीं है। दो तीन बार इसको ट्राई कर लीजिएगा, कभी कभी थोड़ा सर्वर प्रॉब्लम होता है। इसको इसी प्रकार से एक बार हो गया, दो बार हो गया, अभी भी देखते हैं, फिर तीसरी बार देख रहे हैं, फिर से हमारा बस दिखा रहा है स्टेटस नॉट रिसीव्ड फ्रॉम NPCI सर्वर। अब आप इसका क्या सोल्यूशन समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है हमारा? इसी ऑप्शन पे हम कई बार खोलते हैं तो ओपन नहीं हो पाता है NPCI सर्वर का, तो क्या करेंगे आपको हम एक तरकीब बताने वाले हैं। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, नहीं हो पा रहा, कई बार हमने कर चुका है, तीन चार बार। तो आप क्या करना है कि एक नेक्स्ट टैब ओपन करिएगा और आधार वाली वेबसाइट पर आ जाएगा, myaadhar.uidi.gov.in। इस वेबसाइट को आपको ओपन करना है, उसके बाद यहाँ पे एक लॉगिन का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करिएगा। आधार नंबर इस कॉलम में एंटर आधार लिखा हुआ है, इस पर आप अपना आधार नंबर डालिएगा, जिस स्टूडेंट का आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसका आधार नंबर डालिएगा, कैप्चा फिल करिएगा, उसका सेंड OTP पे क्लिक करिएगा। आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आप वेट कर लीजिएगा। OTP फिल करने के बाद लॉगिन करिएगा, लॉगिन करने के बाद इसी ऑप्शन से आप आधार डाउनलोड भी कर सकते हैं। सारे ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं जो आधार से रिलेटेड हैं। अब आपको यहाँ पे देखना है बैंक सीडिंग स्टेटस। अब यहाँ पे आपका स्टेटस खुल के आ जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ बैंक सीडिंग स्टेटस में इनएक्टिव है, इसीलिए वहाँ पे आपका NPCI जो है वहाँ से आगे स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं जा रहा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको फिजिकली अपने बैंक में विजिट करना होगा और वहाँ पे आपको अपने बैंक से NPCI आधार लिंक कराना पड़ेगा। इसको जब आप करा लेंगे तो यहीं से इसी प्रकार लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। जैसे भी आपका NPCI लिंक, आधार लिंक आपका अकाउंट में हो जाएगा पूरी तरह से, उसके बाद आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, वहाँ से आपका ग्रीन टिक हो जाएगा, उसके बाद आप प्रिंट निकाल सकते हैं।